इन तीन बदलाव से जीत जाएगी टीम इंडिया। विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को कप्तान बना दो, रवि शास्त्री को कोच की पोजीशन से हटा दो और धोनी को रिटायरमेंट से वापस ले आओ। मेरे बदलाव नहीं है, ये वो तीन बदलाव हैं जो इंडिया की हर हार के बाद यूट्यूब कमेंट्स में हमें पढ़ने को मिलते हैं। पर ये तीन बदलाव तो होने से रहे। पहले दो मैच ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद तीसरे मैच में कौन से बदलाव जिता सकती है टीम इंडिया को, ये बता रहा हूं बस तीन मिनट में। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के अगेंस्ट पहले वनडे में बनाए थे 374 रन और दूसरे वनडे में बनाए 389 रन। अब तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया 400 ना बना दे, इसके लिए विराट कोहली को करने होंगे टीम इंडिया में कई चेंजेस। सो पहला चेंज होना चाहिए कि कोहली के फेवरेट नवदीप सैनी आउट और टी नटराजन इन। सैनी ने पहले दो मैच में इतनी खराब बॉलिंग करी है कि उनकी जगह जो भी आएगा कम से कम उनसे तो बेटर ही बॉलिंग करेगा। और नटराजन ने तो आईपीएल में अपने यॉर्कर्स से सबका दिल भी जीता था। डेथ ओवर्स में नटराजन की बॉलिंग और अच्छी हो जाती है। ये वही ओवर्स हैं जिसमें ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया के बॉलर्स पर धावा बोल देती है। तो पहला बड़ा चेंज अगर कोहली ये कर देते हैं तो इंडिया के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा चेंज है युजवेंद्र चहल आउट और कुलदीप यादव इन। चहल ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले दो ओडीआई में 19 ओवर डाले और लुटाए हैं 160 रन। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के सभी बैट्समैन ने चहल की पिटाई करी है, उस हिसाब से टाइम आ गया है कुलदीप यादव को उनकी जगह खिलाने का। कुलदीप चाइनामैन बॉलर हैं और अपनी रिस्ट स्पिन और गुगली से ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को अटैकिंग शॉट्स खेलने से रोक सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड्स इंडिया के ग्राउंड्स की तरह छोटे नहीं हैं और कुलदीप इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा कुलदीप का ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स पर परफॉर्मेंस अच्छी रही है। आईपीएल में वो भले ही अपने रंग में ना दिखे हों पर यहां उनके पास 10 ओवर होंगे अपने आप को रिडीम करने के लिए। और तीसरा चेंज है श्रेयस अय्यर की जगह मनीष पांडे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि श्रेयस अय्यर पहले दो मैच में फ्लॉप रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि सुरेश रैना की तरह श्रेयस अय्यर भी शॉर्ट पिच बॉलिंग और बाउंसर से डरते हुए दिख रहे हैं, जो कमजोरी ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने पकड़ ली है। उधर मनीष पांडे के पास ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर बैटिंग करने का पहले से ही एक्सपीरियंस है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के ही अगेंस्ट 2016 में उनकी सेंचुरी तो सबको आज तक याद है। मनीष पांडे इंडियन टीम में फिफ्थ नंबर पर बैटिंग भी कर सकते हैं, जिससे टीम को केएल राहुल को नंबर चार पर खिलाने की फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। टॉप चार में धवन, विराट और राहुल और बाद में नंबर पांच और नंबर छह पर मनीष पांडे और हार्दिक पांड्या। रोहित शर्मा की टीम में ना होने की वजह से इससे बेहतर टीम कॉम्बिनेशन टीम इंडिया के पास हाल फिलहाल तो नहीं है। इंडिया ऑलरेडी वनडे सीरीज हार चुकी है और तीसरा वनडे सिडनी में नहीं कैनबरा में हो रहा है, तो हो सकता है कि यहीं से विराट कोहली की टीम की किस्मत पलटे और आगे के मैचेस में इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा पाए। आपको क्या लगता है कि क्या इन चेंजेस से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को फाइनली हरा पाएगी? आप रवि शास्त्री की जगह कोच होते तो क्या करते? कमेंट्स बॉक्स खुला है आपके ही सजेशन के लिए। पहनिए सुपर सिलेक्टर की टोपी और बताइए क्या होने चाहिए टीम इंडिया में थर्ड ओडीआई के लिए चेंजेस। क्रिकेट की बाकी सारी न्यूज और अपडेट्स लेकर मैं आता रहूंगा, आप देखते रहिए अनकट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।